बीकानेर में बीएसएफ क्षेत्र में स्थित ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार असॉल्ट डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएसएफ के डीआईजी अजय लूथरा ने बताया कि यहां 20 जर्मन शेफर्ड श्वान को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान श्वान को नारकोटिक्स एक्सप्लोसिव, आईपी अटैक और रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएसएफ में अभी तक जो है नेशनल डॉग ट्रेनिंग सेंटर जो बीएसएफ एकेडमी टेकरपुर ग्वालियर में है, वहीं पर डॉग की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर हमारे डीजी साहब के निर्देशानुसार सब जगह बीएसएफ के डिफरेंट फ्रंटियर्स के अंदर सब्सिडरी डॉग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। उसी के संदर्भ में राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर के लिए बीकानेर के अंदर हमने सब्सिडरी डॉग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है। इस यहाँ पर हमने अभी तक टोटल 20 डॉग्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जो फर्स्ट फेज़ में हमारे यहाँ पे इन डॉग्स की ट्रेनिंग हुई है। इसके बाद इन फ्यूचर में भी डिफरेंट फेजेस में कंटिन्यू प्रोसेस है और डॉग को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये डॉग जो है अभी जो हम लोग हैं बिल्कुल असॉल्ट ट्रेनिंग के लिए इनको तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स, एक्सप्लोजिवस और ट्रैकर डॉग्स, पेट्रोलिंग डॉग्स, इस तरह जो डिफरेंट टाइप्स की डॉग्स की कैटेगरी होती है उस तरह से उनको ट्रेन किया जाएगा और फ्यूचर में उनको डिप्लॉय किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें हम लोगों की डॉग की स्ट्रेंथ हमारे बीएसएफ में जो पहले पर बटालियन 4 हुआ करती थी उसको बढ़ा के अब 8 कर दिया गया है और इसको हम लोग काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं।